हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है, उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूँ। ये भाषण नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2014 को दिया था, लेकिन उस वक्त वो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और सबका साथ सबका विश्वास का नारा दोहरा रहे थे। लेकिन 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद शायद वो देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भूल गए हैं। कैसे? इसका जवाब खुद मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में दिया है। 15 मार्च को शिक्षा मंत्री ने देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी और ओबीसी के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी दी। सरकार के मुताबिक देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के लिए आरक्षित फैकल्टी के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 40% पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी फैकल्टी के लिए आरक्षित 52% पद खाली पड़े हैं, यानी ओबीसी कैंडिडेट को आधे से ज्यादा नौकरियां नहीं दी गई, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 39% पद खाली पड़े हैं। वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए 42% पदों को अब तक नहीं भरा गया। संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी और एसटी के लिए 13% पद खाली पड़े हैं, तो वहीं एससी के लिए 12% पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हुई। इग्नू में तो ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 67% पद आज तक नहीं भरे गए। वहीं एससी के लिए 41% और एसटी के लिए 69% पदों पर कोई नियुक्ति मोदी सरकार ने नहीं की। यही हाल आईआईटी की नॉन फैकल्टी की नौकरियों का भी है। ओबीसी के 42% पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई, तो वहीं एससी के 36% और एसटी के 47% पदों को नहीं भरा गया। भारतीय प्रबंध संस्थानों यानी आईआईएम्स में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। आईआईएम्स में ओबीसी और एससी के करीब 60% से ज्यादा आरक्षित पद खाली पड़े हैं, तो वहीं एसटी के लिए आरक्षित लगभग 80% पद नहीं भरे गए। मोदी सरकार को आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मनुवादी कर देना चाहिए। आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी ओबीसी का हाल बद से बदतर है। यहाँ ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों में से 90% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आईआईएससी में एससी 20% और एसटी 55% पद खाली पड़े हुए हैं। इन आंकड़ों से ये बात तो साफ हो गई होगी कि मोदी सरकार में कम से कम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कोई विकास नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इन वर्गों का विकास होता तो 6 साल में सत्ता पर काबिज पीएम मोदी के कार्यकाल में इन पदों के खाली रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद को ओबीसी बताने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आरक्षण की दुहाई देने से काम नहीं चलता, आरक्षण की नीति को लागू भी करना पड़ता है। कम से कम जो पद स्वीकार कर लिए गए हैं उन पर तो आपकी सरकार को नियुक्ति करनी ही चाहिए। कथनी और करनी में फर्क करना अच्छी बात नहीं। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। आपकी सरकार में सिर्फ चंद जातियों का भला हो रहा है और उसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। वैसे भी प्राइवेटाइजेशन के जरिए आप पहले ही आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का मुकम्मल इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो पद स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें तो भर ही देना चाहिए, बाकी लड़ाई बहुजन समाज लड़ लेगा। लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरूरत पर भरोसा नहीं है, इस मामले को लगातार टाल रही है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी, उसे भी लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और कैमरे पर है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। हमें दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में मिलते हैं।